News coming in right now, wrestler Sushil Kumar to face trial for murder, attempt to murder, rioting, unlawful assembly and criminal conspiracy in case relating to Sagar Dhankar murder at the Chhatrasal Stadium. My colleague Arvind Ojha is now joining us live on this story. Arvind, details bataiye kis tarah ke charges laye gaye hain, jo charge sheet mein Sushil Kumar ke khilaf kya kaha tha police ne? देखिए, ये बड़ा सेटबैक है ओलंपियन पहलवान जो सुशील कुमार हैं उनके लिए, क्योंकि अब रोहिणी कोर्ट ने ट्रायल में चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं उनके खिलाफ 300, यानी मर्डर का केस अब उन पर चलेगा, और उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, रॉयटिंग का केस, उसके अलावा अनलॉफुल असेंबली का केस, ये तमाम ऐसे केस है, उसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस, ये अब उनके ऊपर चलेगा, फेस करना पड़ेगा। हालांकि जो सुशील कुमार के वकील है उन्होंने रोहिणी कोर्ट में ये दलील दी कि ये 302 का केस नहीं चलता, और उसको लेकर लंबी बहस चली, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने 302, 307, 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ट्रायल करने का आदेश दिया, एक तरीके से आरोप तय कर दिया। इसी 302 पर ही, यानी हत्या के केस पर का केस चलेगा सुशील कुमार पर। सागर धनकर जो जूनियर पहलवान थे, रेसलर, उनकी दिल्ली में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनको पहले अबडक्ट किया गया था, उसके बाद उनकी बुरी तरह से सुशील कुमार और उनके साथियों ने पिटाई की थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। उस केस में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, रोहिणी कोर्ट में अदालत ने सुनवाई की, और उसके बाद अब ये तय हुआ है कि सुशील कुमार समेत कुल जो 17 अक्यूज हैं उनके खिलाफ 302 हत्या का केस चलेगा। बोलमी